नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक शेयर के बारे में, एक टाइनी शेयर जिसका मार्केट प्राइस है मात्र 40 रुपीज, लेकिन जो उसका ग्रे मार्केट प्राइस है वो है 2,40,000 रुपीज, लगभग 2.5 लाख रुपीज उसका ग्रे मार्केट प्राइस है। तो दोस्तों, ऐसे शेयर आपको कभी भी मिले तो आँख बंद करके आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत ही कम वैसे मौके मिलते हैं जब ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको हमेशा बाय ऑर्डर जो है प्लेस करके रखना है। जो एएमओ ऑर्डर है 3:30 पर आपको एक दिन पहले ही एएमओ ऑर्डर प्लेस करके रखना है। तो सारा मतलब इसमें हम लॉजिक आपको बताएंगे कैसे आप इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे आपको ये स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि काफी बार हम ट्रेड होते हुए इस स्टॉक को देखे हैं। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट पर दिखाते हैं जो इलसेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इसका यहाँ पर देख लीजिए चार्ट। यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड हुआ है, देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर देखने मिला है। अगर हम इसका आवरली चार्ट लगाते हैं, देखिए 1 आवर का चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट लगाए थे, यहाँ पर भी ये ट्रेड हुआ था। और नीचे जाएंगे तो कभी कभी ये स्टॉक ट्रेड हुआ है, नहीं तो ये स्टॉक काफी कम ट्रेड होता है। देखिए यहाँ पर स्टॉक ये ट्रेड हुआ है, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्टॉक ट्रेड हुआ है। तो ये जहां जहां आपको ग्रीन कैंडल दिखता है यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर आप इसमें मतलब स्टॉक को बाय कर सकते थे। अगर आपका ऑर्डर सबसे पहले लगा हुआ होता आप यहाँ पर ये स्टॉक बाय कर सकते थे। दोस्तों, इस कंपनी का इतना ज्यादा शेयर का वैल्यू क्यों है ग्रे मार्केट में, तो उसका रीजन है जो कि आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इलसेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यहाँ पर देख लीजिए, इसका रिजर्व जो है 8,000 करोड़ है और जो हमारा इसका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी का 8,500 करोड़ है। मतलब मार्केट कैप हो गया कितना, टोटल आप ऐड करेंगे तो होना चाहिए 16,000 करोड़, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए तो मात्र 28 लाख इसका मार्केट कैप है। तो इतना छोटी कंपनी आपको दिख रही है, लेकिन इस कंपनी का यहाँ पर रिजर्व और जब इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर बुक वैल्यू देख लीजिए, कंपनी का बुक वैल्यू 4 लाख का है, 4 लाख करोड़ का बुक वैल्यू है इस कंपनी का। और डिविडेंड 100% का डिविडेंड है, मतलब अभी कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपीज है, लेकिन ये 15 रुपीज पर ईयर का डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को। इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो प्रमोटर्स होल्डिंग हो सकता है 75%, तो उतना देख सकते हैं इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और ये स्टॉक है एक NBFC कंपनी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। इसका एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण इस कंपनी का जो आप वैल्यूएशन देखते हैं काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कंपनी का जो शेयर है वो कभी ट्रेड ही नहीं करता मार्केट में, जिससे कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी कम रह गया। अब जो ट्रेडिंग होता है कभी कभी होता है, तो कभी कभी जब ट्रेडिंग होता है तो आपको किस प्रकार इसमें मतलब ट्रेड करना है, मतलब किस प्रकार आप शेयर ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ इलसेट इन्वेस्टमेंट है, आपको इसके लिए जीरोधा में अकाउंट होना चाहिए। आप दूसरे ब्रोकर में ये जल्द जो है प्लेस नहीं कर पाएंगे ऑर्डर, तो इसके लिए आपको जीरोधा में होना चाहिए। जीरोधा में जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा, जीरोधा में जैसे आप इलसेट पर क्लिक करेंगे बाय पर, तो यहाँ पर लिख जाएगा कि इलसेट इज ए ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी स्टॉक, यू विल एबल टू सेल स्टॉक बाउट टूडे ओनली आफ्टर स्टॉक जो है आपके T+2 डे में आ जाता है आपके अकाउंट में। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपका जो है इसको T-PIN से कनेक्ट करना पड़ेगा। T-PIN जो गूगल वेरिफिकेशन होता है, गूगल वेरिफिकेशन ऐप से आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, जिसका ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर वो ऐप रख लेते हैं और वहां से अपना जीरोधा आईडी को कनेक्ट कर लेते हैं, जीरोधा के जो आईडी होगा आपका उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो वहां पर एक कोड आएगा जो आपको लॉग इन करते समय डालना पड़ेगा, तब जाकर के ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर प्लेस होगा। तो हमने पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है और जैसे बाय पर क्लिक किए यहाँ क्वांटिटी आ गया, यहाँ मार्केट प्राइस दे देते हैं। हमेशा आपको मार्केट प्राइस ही लगाना है, और जब आपका ऑर्डर कभी ट्रेड होगा तो आपका ऑर्डर सबसे पहले प्लेस किया होगा तो आपका बाइंग हो जाएगा। यहाँ पर बाय पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म लगा देना है, फिर यहाँ पर एएमओ ऑर्डर लगाना है आपको, क्योंकि बिना एएमओ ऑर्डर के आप जो है नहीं ले पाएंगे ये शेयर। तो एएमओ ऑर्डर आपको लगाना है, बाय पर क्लिक करना है। जैसे बाय करेंगे तो देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया। यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पर प्लेस हो गया। 2 अन्य ऑर्डर लगाए हुए, इसी तरह से आप भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इलसेट इन्वेस्टमेंट कभी भी मिलता है, ये स्टॉक आपको छोड़ना नहीं है, भूल से भी आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि स्टॉक इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है, इसका प्राइस जो है ग्रे मार्केट में 2,40,000 है, जो कि आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। गूगल में आप सर्च कीजिए इलसेट इन्वेस्टमेंट शेयर प्राइस इन ग्रे मार्केट कराए। दिस पैनी स्टॉक इज आई
popping price in grey market. Some market experts said a single share of SZ is worth 2,40,000. देख सकते हैं 2.4 लाख, मतलब 2,40,000. तो ये इसका करेंट मार्केट प्राइस है, जो अनलिस्टेड मार्केट होता है वो ग्रे मार्केट, जहां पर इस स्टॉक का वैल्यूएशन इतना है. और जो पीछे कई बार के ट्रेड भी हुआ 1 लाख रुपीज पर, तो समझ सकते हैं इसका जो एक्सपर्ट के अनुसार मार्केट मतलब प्राइस इसका होना चाहिए 2,40,000, लेकिन ये मात्र 14 रुपीज में स्टॉक मिल रहा है. तो दोस्तों ऐसे अपॉर्चुनिटी कभी भी मिले तो छोड़ना नहीं है, और ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है ये भी आपको मैंने बता दिया कि आपको हमेशा AMO ऑर्डर लगाना है, और AMO ऑर्डर लगाना है 3:30 पे. 3:30 के बाद आप लगा सकते हैं अगले दिन के लिए AMO ऑर्डर. तो बस लगा के आपको छोड़ देना है, बार बार ट्राई करना है. कभी भी अगर आपका बाइंग हो जाता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा आपका, और काफ़ी अच्छा मतलब आप इसमें वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे. और कभी भी किसी को भी मिल जाता है हमारे कहने से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा. कभी भी आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने एलसीड का शेयर बाय कर लिया. तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं. अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है. आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं. जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता. कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा.